हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विघ्नेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल EXCC वर्ल्ड पे। तो आज मैंने आपके लिए एक नई वीडियो लाई है। सॉरी, मैं मेरे पर्सनल काम के लिए थोड़ा बिज़ी हो गया था, तो इसके लिए मैं नई वीडियो नहीं डाल पाया इन कुछ महीनों में। मतलब अभी मेरे को जो कंटेंट जैसे मिलते जाएगा और जो टाइम मिलेगा उसमें मैं ज़रूर नई वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आज मुझे ये मेरे फ्रेंड ने एक कार एक्सेसरी दिया है, या ऑडियो प्लेयर कह सकते हैं। इसमें जो सीडी प्लेयर सेक्शन है उसको कैंसिल करके हमें ये ब्लूटूथ ऑडियो प्लेयर का सेक्शन डालना है, जिससे कि सीडी प्लेयर सेक्शन यूज़ नहीं होगा और पेन ड्राइव, ब्लूटूथ और ऑक्स और FM जैसे फीचर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसे करने के लिए हम इस ऑक्स का यूज़ करेंगे, पर हम इंटरनली इस ऑक्स को आइसोलेट करके जो इसका सिग्नल आउटपुट है ये प्लेयर का, वो इंटरनली ऑक्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो फिर हम जब ऑक्स सिलेक्ट करेंगे तभी ये ऑडियो प्लेयर कनेक्ट हो जाएगा सोर्स की तरह। और ये इसका जो ऑक्स आउटसाइड में है, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्लेयर है इसके अंदर भी एक ऑक्स है। तो फिर ये जो ओरिजिनल ऑक्स है तो ये इधर कनेक्ट कर देंगे, फिर ये ऑक्स फीचर भी काम करने लगेगा। तो जो इंटरनल ऑक्स है उसके जगह पे इसका जो ऑडियो आउटपुट है वो हम लगाएंगे और ये पिन ऐसे ही आइसोलेट हो जाएगा। तो फिर इसके जगह पे हम ये लगा देंगे। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक पावर FM है जिसके लिए आउटपुट ये है। तो ये पावर एंटीना के लिए सॉकेट है, ये सब वूफर आउटपुट है, जो सब वूफर का लाइन आउटपुट रहता है वो है, जो सब वूफर एम्पलीफायर को जाएगा। और यहाँ पे कुछ वायर्स हैं, तो इसमें से ये जो वायर्स हैं ये मेन पावर बैटरी के लिए जाते हैं 12 वोल्ट्स, और ये हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो वायर है उसे हम कह सकते हैं इग्निशन वायर, जिससे हमारा ऑडियो प्लेयर का डिस्प्ले और अदर जो सॉफ्ट सर्किट है वो चालू हो जाएगा। तो जब भी हम ये तो बैटरी से ऑलवेज कनेक्टेड रहेंगे, और ये वायर जो है जैसे ही 12 वोल्ट का कनेक्ट करेंगे थ्रू की, तो ऑडियो प्लेयर ऑन हो जाएगा। और इसमें से ये कलर कोडेड वायर्स है, जो सिमिलर कलर के दो दो वायर्स हैं वो स्पीकर्स को जाते हैं, 4 स्पीकर के आउटपुट है। और ये जो है इसे हम रिमोट वायर्स कहते हैं, जो सब वूफर को एक्टिवेट करने जाएगा। हमें सिर्फ इन तीन वायर्स और ये स्पीकर आउटपुट के वायर से काम है फॉर चेकिंग पर्पस। तो हम ये दोनों वायर शॉर्ट कर देंगे, जिससे हमारा इग्निशन और बैटरी कनेक्शन हो जाएगा और ये ब्लैक इज़ निगेटिव। तो ये डिटैचेबल यूनिट है, तो आप देख सकते हैं सीडी के लिए ये अंदर एक मैकेनिज्म है, तो उसे हम निकाल देंगे और यहाँ पे उसका पेन ड्राइव और डिस्प्ले सेक्शन बना देंगे। यहाँ पे ऊपर बहुत कम स्पेस है, तो ऊपर का सेक्शन है हम कट कर देंगे थोड़ा सा, तो ऊपर स्पेस हो जाएगा। और इसका जो पोर्ट है वो ये है, कनेक्शन पोर्ट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसे ओपन करने के पहले मैं इसे आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो हम इसे 12 वोल्ट पे सेट करेंगे, तो अभी हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया। तो हमारा प्री टेस्टिंग हो चुका है, तो अभी हम इसे ओपन करेंगे, डिसमेंटल करेंगे। तो ये पहले हम निकाल देते हैं, बटन नीचे होता है इजेक्शन का, तो साइड में रख देते हैं। तो हमें ये मॉडिफिकेशन करना है, जो भी ओरिजिनल ऑक्सिलरी है कार ऑडियो प्लेयर का, तो उसको कनेक्टर लेवल पे कट करना है सर्किट बोर्ड पे। और ये जो एल इन आर इन है, तो जो हमारा पेन ड्राइव का ऑक्सिलरी था यहाँ पे,
तो ये पार्ट निकाल के इसका वायर्स यहाँ पे सोल्डर करना है, ताकि ये जो कनेक्टर है वो यूज़ में आ जाए। तो हमें ये वायर्स जो है ऑक्सिलरी का, उसे यहाँ से यहाँ कनेक्ट करना है, मतलब सर्किट बोर्ड पे। एंड इसका जो आउटपुट है ऑडियो सिग्नल का, जो कि ये है लेफ्ट राइट चैनल, तो वो हमें इसके इनपुट में देना है, जो भी सर्किट बोर्ड पे ही है। तो ये जो है ओरिजिनल कनेक्टर है ऑक्सिलरी का, उसको जाएगा इनपुट ऑक्सिलरी MP3 ऑक्स इन, तो ये ऐसे आएगा। और यहाँ से सिग्नल कट कर देना है, तो ये मॉडिफिकेशन हमें करना है। और ये इसको 5 वोल्ट का सप्लाई लगता है ये किट को, तो इसके अंदर हमें उस हिसाब से मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगा कि ये बस में से कौन सा 5 वोल्ट का आउटपुट है। और अगर नहीं होगा, 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा, तो हमें एक 7805 रेगुलेटर लगा के वोल्टेज को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वह हम मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए, तो रेगुलेटर बहुत सिंपल है, ये हमारा 7805 IC रेगुलेटर, ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा फिल्टर कैप, तो इसे हम पकड़ सकते हैं। तो इधर एक और एक लगाते हैं, तो फिल्टर के लिए 0.1 UF, और ये जो है हम 10 UF, 16 वोल्ट काफ़ी है। यहाँ पे भी ज़्यादा थोड़ा बड़ा लेंगे चलो चलेगा, अभी 12 वोल्ट इनपुट रहेगा या ज़्यादा रहेगा, इसके लिए 25 वोल्ट का हम लगा देंगे कैपेसिटर। तो ये हमारा इनपुट 12 वोल्ट्स, और 9 वोल्ट्स जो भी है इनपुट में देंगे, जो हमें बस पे मिलेगा, और यहाँ से आउटपुट हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो ये भी हम इधर ही कनेक्ट, इसको जो सप्लाई है प्लस 5 वोल्ट्स, ये हम इधर कनेक्ट कर देंगे, और ये ग्राउंड है तो ये निगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये चैनल लेफ्ट राइट और FM का ये सिग्नल, और ये देखो ये 5 वोल्ट और ग्राउंड है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सर्किट डायग्राम है। फ्रॉम बस 12 वोल्ट्स, ये हमारा बोर्ड है, तो यहाँ पे बस है, पर बस पे कहीं नहीं लिखा है कि इसमें से 12 वोल्ट्स का आउटपुट निकल रहा है। चलिए करते हैं, आपको उसका पिन कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ। और इधर से एक कनेक्शन रह गया जो कि ग्राउंड है 0 वोल्ट्स, तो ये पिन नंबर 1 है, 2 और 3। इसमें ये 1, 2 और 3, तो ये भी ये 0 वाला पिन है, जो बीच वाले पिन को कनेक्ट होता है, इनपुट है या आउटपुट है।
दोस्तों ये हमने पेन ड्राइव का इसमें फिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हैं नट्स से टाइट कर लिया है तो लूज़ भी नहीं होगा, कुछ तो ऐसा दिखता है। तो थोड़ा ऐसा फिनिशिंग करना बाकी है, यहाँ से यहाँ तक हम कवर कर लेंगे ब्लैक कुछ प्लास्टिक यूज़ करके, और ये जो ग्लू नज़र आ रहा है तो इसे भी हम ब्लैक मार्कर से ब्लैक कर देंगे। सो दोस्तों ये हमने सेटअप कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्लेयर है। तो अभी मैंने अपने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है और स्पीकर्स भी कनेक्ट कर लिए, तो अभी हम सोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं ऑक्सिलरी में। तो ऑक्सिलरी में ये किट वर्क करना चालू कर देता है, और ये किट का ऑक्सिलरी यहाँ पे है, तो हमारे सारे फंक्शन आ गए उसमें। तो अभी हम अभी इसको ऑक्सिलरी में डाल दिया, तो हम इसे ब्लूटूथ मोड में डाल देते हैं। ओके, अभी हम जो ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड, तो हम ये सबवे ड्रीम्स प्ले करने वाले हैं। हमारा ब्लूटूथ फंक्शन हो गया। इसके बाद मेरे पास यूएसबी है, पर उसके अंदर जो सॉन्ग है वो कॉपीराइट वाले हैं, तो इसके लिए मैं यूएसबी प्ले नहीं करूँगा। तो एफएम मोड एक है, तो वो भी हम कुछ ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मोड है हमारा AUX मोड, हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इन फ्यूचर भी मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहूँगा, भले ही थोड़ा लेट हो जाए, पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा नए वीडियोस अपलोड करने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।